दोस्तों, आज लोकसभा में बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा एक देखने को मिला। दरअसल में हुआ ये कि देश के गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के जवाब आज दे रहे थे, तो जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि यूपीए ने अपना नाम बदलकर इंडिया क्यों रखा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी घोटाले हुए उन सब की बकायदा पूरी एक लिस्ट बनाकर सबके सामने सुना दिया। और मुझे लगता है कि वो लिस्ट में जितने भी घोटालों के नाम लिए गए थे उसको सुनने के बाद कांग्रेस वाले शायद आज रात को बैठ के उनके जितने भी मंत्री यही सोचेंगे कि यार इतने पैसों का घोटाला हुआ तो हमें क्या मिला। खैर दोस्तों, आप भी देखिए मजेदार वीडियो और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बयान, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया मान्यवर, मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? एलआईसी हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर प्रॉन सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े, सीना तान कर मैदान में जाएंगे।